I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to teach a basic concept in the field of educational technology, that is difference between technology in education and technology of education. It is a very confusing term, and sometimes and oftenly people use interchangeably these two terms, but there is a marked difference between these two. So this lecture will be in bilingual mode, that is beneficial for both Hindi as well as English medium students, and will be useful for various teaching examinations too. And do subscribe my channel to get my future videos. So let's start. First of all, technology in education means शिक्षा में तकनीकी. एक टर्म है शिक्षा में तकनीकी और एक टर्म है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, मतलब शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा की तकनीकी. तो दोनों चीजें कई बार हम लोग इसको इसके अंदर को समझते नहीं है और एक साथ यूज कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज नो स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, बट देयर इज डिफरेंस. व्हाट इज दिस डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, technology in education refers to the use of technology hardware. जब हम शिक्षा में तकनीकी की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात किसकी करते हैं? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इन एजुकेशन. हेयर मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द मीडिया यूज्ड फॉर कैरिंग अ मैसेज. यहाँ पे हम मीडिया को, जो हम ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर, ऑडियो वीडियो हार्डवेयर जो यूज कर रहे हैं, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, उस पर ज्यादा इंफेसिस है. इट इज मेनली कंसर्न विद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विच आर यूज to facilitate the teaching learning process. यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा मुख्य किससे लेना देना है, सरोकार किससे है, कौन सा गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, जिससे कि हम शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को सुधार सकें. यानी कि यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आई कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब टेक्नोलॉजी हार्डवेयर से है. देन इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट. यानी यहाँ पे औजारों की बात की जाएगी, गैजेट्स की बात की जाएगी, हार्डवेयर की बात की जाएगी. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक प्रोजेक्टर्स हैं, फिल्म्स हैं, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, टीचिंग मशीन्स, टेली टेक्स्ट एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग. ये सारी चीजें, सारे नाम अब हमारे लिए कॉमन हो चुके हैं. हम सब लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया है. जिसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था उसने भी इसको ऑनलाइन कोरोना वर्ल्ड में इस्तेमाल कर लिया है. ओके, इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट. सॉरी, यहाँ लाइट चली गई, अभी आ जाएगी. इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक प्रोजेक्टर्स, फिल्म्स, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, टीचिंग मशीन्स, टेली टेक्स्ट एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग. ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. देन आगे चलते हैं, और क्या है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड, यानी कि ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है. कहां तक? To making use of technology to make learning and imparting of education easier in all possible ways. मतलब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमने शिक्षा में कुछ हार्डवेयर इस्तेमाल कर लिया और हमने अपने शिक्षण को सुगम बना लिया. But also field of study in itself for those who are involved with developing technological tools for educational purposes. Means सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम अपनी शिक्षा में, अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं. इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस, बट कि हम वो सारा, वो एक फील्ड जिसमें लोग लगे हुए हैं, पर्सनल लगे हुए हैं, डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल टूल जिससे कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, शैक्षिक उद्देश्यों का, जिससे हम निराकरण कर सकें, अच्छे से उसको अचीव कर सकें. इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस. इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला, सप्लाइज द नीडेड अप्लायंसेस, इक्विपमेंट एंड मास मीडिया फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट पर्पसेस एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन. मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा, हमारा अप्लायंस, हमारा इक्विपमेंट, हम कौन सा मास मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट पर्पसेस एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन. मीन्स जिससे हम शिक्षा के कार्य और शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर पाए. देन फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स टू हैंडल मेक द फाइनेस्ट यूज ऑफ इक्विपमेंट. क्या फायदा, हमने बहुत बड़ा बड़ा हार्डवेयर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बहुत सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दिया अपने संस्थान में, लेकिन टीचर्स उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज. सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, उनको सिखाना होगा कि कैसे इसका बढ़िया से बढ़िया आप यूसेज कर सकते हैं. क्योंकि अक्सर हम लोग गैजेट्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत कम फंक्शन से ही अपना काम चला लेते हैं, वहां तक पहुंचते ही नहीं.
Then it also develop a positive attitude among teachers and learners towards these appliances. और technology in education में और क्या आ जाएगा कि हमको सिखाना ही नहीं है, एक positive attitude भी develop करना है teacher में भी और student में भी उस appliance को use करने के लिए, मतलब कि उसके फायदे उसको बताने हैं कि क्या क्या उसके फायदे हैं. Then signifies the relevance and use of the appliances in the context of individual and group learning to achieve the goals of formal and informal learning. देखिए जब भी आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आप हमेशा बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे, स्पेस की, कंटेक्स्ट की, टाइम की, है ना. तो क्या होगा कि हम दूर से जुड़ सकते हैं, डिस्टेंस मोड में जुड़ सकते हैं, हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं. तो इसलिए सिर्फ हम फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं करेंगे बल्कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में. इसीलिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग भी होगी. जब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन है तो लर्निंग भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ है. तो ये सिग्निफाई करता है, महत्व देता है किसको, रेलेवेंस एंड यूज ऑफ द अप्लायंसेस. हम जो भी अप्लायंस यूज करने जा रहे हैं उसकी क्या सार्थकता है, उसकी क्या उपयोगिता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग. मतलब हम एकल शिक्षण कर रहे हैं, एक एक छात्र से डील कर रहे हैं, या हम समूह में शिक्षण दे रहे हैं टू अचीव द गोल्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग, जिससे कि हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अधिगम के गोल को प्राप्त कर पाए. तो इन सब से सरोकार है किसका, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का. Then technology of education. What is the difference between these two? Technology of education can be referred to a purposeful utilization. Purposeful utilization. यानी कि technology of education का क्या मतलब है? जब हम education शिक्षा की तकनीकी की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम कोई purposeful, यानी सोदेश्यपूर्ण utilization कर रहे हैं. In combination or separately, जिसमें कि हम जोड़ भी सकते हैं और अलग-अलग भी कर सकते हैं. क्या चीजें? Objects, techniques, devices and events and relationships to increase the effectiveness of educational purpose. यानी कि जो भी हमारा शैक्षिक उद्देश्य है उसकी प्रभाविकता को हम किस तरीके से combination में करके या separately objects, technique, device, event, relationship सबका हमको purposeful utilization करना है. Okay, then it deals with applying the resources of technological knowledge in an organized way through which every individual has to pass for acquiring and using knowledge. मतलब क्या है? It deals with applying the resources of technological knowledge. जो भी तकनीकी ज्ञान है, उसका जो भी संसाधन है, उसको हमको apply करना है, अनुप्रयोग करना है, so that in an organized way, एक संगठित तरीके से organize करना है, जिससे क्या हो? Through which every individual has to pass for acquiring and using knowledge. यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक individual जो है, वो उसको ग्रहण करे और उस knowledge को utilize करे. इस तरीके से हमको ये resources, ये टेक्निकल नॉलेज वो करनी है, क्या करनी है, अप्लाई करनी है. देन दिस अप्रोच कैरेक्टराइजेस द मेथोडोलॉजी एप्रोप्रिएट टू लर्नर्स नीड्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि जब टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात की जाएगी तो ये जो भी उपागम है वो कैरेक्टराइजेस द मेथोडोलॉजी, मतलब वो उसकी विशेषता है कि मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए, लर्नर्स नीड्स के हिसाब से हो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो, और प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कौन से हमारे संसाधन उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डेंस में हम ये सारी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे. हमारा विद्यार्थी है उसकी क्या आवश्यकता है, हमारा जो हम मॉड्यूल पढ़ाने जा रहे हैं, हम जो कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब कुछ हमको ध्यान में देना होगा. Then, technology of education is also referred as educational technology. मतलब जो हम शैक्षिक तकनीकी पढ़ते हैं, हमारे पेपर का नाम educational technology है, जिसमें हम पढ़ते हैं technological applications को involve करके, inbuild करके, infuse करके, integrate करके हम कैसे education बढ़िया कर सकते हैं, वही technology of education है. यानी कि technology in education is different from educational technology, but technology of education is equivalent to educational technology. And is in really incorporation of IT means in आपका हो गया and realms of classroom. दिमाग से निकल जाता है कभी कभी चीजें, दिमाग में नहीं आ रहा है, sorry. हाँ, फिर technology of education is also referred as educational technology. ये हमने बता दिया आपको कि शिक्षा की तकनीकी का मतलब शैक्षिक तकनीकी ही है, जिसमें कि हम आईटी वर्ल्ड का जो आईटी के कंसेप्ट हैं उनको इंटीग्रेट करके हम अपने क्लासरूम को, अपने कक्षा कक्ष को बढ़िया बना रहे हैं. देन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी एजुकेशन, मींस टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो ब्रॉडर टर्म है और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन उसके अंतर्गत आता है. जैसे कि ये ब्रॉडर वे में टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, उसमें एक छोटा पोर्शन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है. तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में तो आपका सारा यूसेज आ गया ना, पर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या है, सिर्फ हार्डवेयर की बात की जा रही है. ओके, देन कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि
कि सेटलर ने 1978 मतलब सो सो अर्ली 1978 में उसने बताया कि डिस्टिंग्विश किया, अंतर बताया टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में. क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू हिम द फॉर्मर इज ए बिहेवियरल साइंस, मींस जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, जो शैक्षिक तकनीकी है, वो एक व्यावहारिक ज्ञान का कंसेप्ट है, जबकि लेटर इज ए मशीन कंसेप्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कर रहे हैं, और कोई पर्पस बिहेवियर की बात हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में नहीं कर रहे हैं. फिर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड ओएचपी ट्रांसपेरेंसीज दैट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन. मींस अगर हम सिर्फ टेलीविजन लेंगे, सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम लेंगे, सिर्फ ओएचपी लेंगे, सिर्फ रेडियो लेंगे, तो वो क्या होगा? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. बट उसको अगर हम किस हिसाब से ले रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसमें हमने उस एजुकेशनल साइकोलॉजी का इन्फ्यूजन कर दिया, उसमें हमने ये डाल दिया कि हम कैसे शिक्षण व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन बन जाएगा. मीन्स टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज ए ब्रॉडर टर्म एंड इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इन इटसेल्फ. ओके, सो इतना ही था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन मिलते जुलते टर्म है, और हमको ये अंतर एकदम क्लियर कट होना चाहिए ताकि हम इस पर पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब दे सकें. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू. ओके, डन फ्रॉम माई